कुत्ते मारो सालों को, कुत्ते मारो सालों को, कुछ नहीं है, हाथी का पांव नहीं है। मैं आदमियों से बात कर रहा था, हरियाणा में एक महिला ने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाने का परिणाम यह हुआ, गांव की बंद हुई, पड़ोस के गांव वाले भी जो हसियत हो गए, वहां भी जो बंद हो गई। तो आप जो तहमाना आपका प्रयास हुआ निष्फल जाने का, आपके पास बंदी तुम्हारी बसरते तुम्हारी जो प्रयास है ये बनस्पत जो बना रहे। अगर पुलिस वाले यहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद इंक्वायरी पूरा करने के लिए हमारा अपना जो है काम कर रहा है, हम पहले सामाजिक रूप से उनसे निवेदन करेंगे, हमने पहले भी किया है। पहले जो इस काम को किया करते थे उन्होंने इस बात को माना भी, समाज जिसमें उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन बहुत बड़े की बात नहीं। जिस दिन तुम उसका बेटा अपने दिमाग से निकाल दोगे, अरे तय कर लोगे कि ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा भाई शराब पी रहा है, उस दिन इस समाज से जो सामाजिक विकृतियां पैदा हुई हैं, ये सामाजिक विकृतियां जो खत्म हो जाएंगी। सामाजिक विकृतियां बढ़ी इसीलिए, सामाजिक समस्याएं बढ़ी इसलिए ये जो आपने आज प्रदर्शन किया है, इसका क्या कारण रहा है प्रदर्शन करने का? कारण ये है इसका, हमारी बस्ती में जो है शराब माफियाओं का बोलबाला, काफी हद तक ये जो है लोग शराब बेच रहे हैं। अभी हमारा एक भाई, अभी चार दिन पहले हमारा एक भाई ओमवीर जो है शराब के नशे की लत लगने के कारण वो हमें छोड़ के चला गया। उसके तीन बच्चे हैं, एक लड़का और दो लड़की, वो मर गया। हमारे बीच से एक छोटा भाई पहले सोनू था, वो भी नशे की लत से मर गया। एक पवन है, वो भी नशे की लत से मर गया। तो हम पूरे बस्ती वासियों ने बीड़ा उठाया है कि हम जब तक ये दारू बंद नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसी तरह से जो है इसका इस दारू बंद करने का आंदोलन हमारा जारी रहेगा। पूरे बस्ती वासी साथ, पूरी महिला।